कानपुर के गुलावटोली थाना क्षेत्र में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के करीबी रहे शौकत अली के फ्लैट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वेटा हाउस को सीज किया है और ये संपत्ति 125 करोड़ की बताई जा रही है। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहे दो कांवड़ियों की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई, जिससे कांवड़ियों और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिरोजाबाद में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक कुमार रणविजय सिंह ग्रामीण का ट्रांसफर हो गया है। अब फिरोजाबाद के नए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अखिलेश भदौरिया होंगे। कानपुर के थाना क्षेत्र निवासी गौरव श्रीवास्तव ने कानपुर प्रेस क्लब में न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि वो बीसी चलाते थे, जिनका पूरा लिखा पढ़ी और साक्ष्य भी है। पैसे का लेन देन बैंक अकाउंट की डिटेल में भी है, लेकिन अब कुछ लोग जबरन आरोप लगा रहे हैं कि पैसे ले रखे हैं, दे नहीं रहे हैं। इस बाबत पुलिस ने भी झूठे मुकदमे में चालान कर दिया और एक भी नहीं सुनी। इन सब को देखते हुए उन्होंने प्रेस क्लब से न्याय की गुहार लगाई है। कासगंज में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने पेट्रोल पंप लूटकांड का खुलासा किया। पेट्रोल पंप के मैनेजर और सेल्समैन ने ही लूट की साजिश रची थी। ऑनलाइन गेम ड्रीम 11 में 1,47,000 रुपए हारने पर लूट की रणनीति बनाई थी। हारे हुए रुपयों की भरपाई करने के लिए मनगढ़ंत कहानी रची। पुलिस ने 1,25,460 रुपए, DVR और मोबाइल आरोपी से बरामद किए हैं। महोबा में संदिग्ध अवस्था में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिला है। अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव की शिनाख्त की, लेकिन नहीं हो पाई। कानपुर में पुलिस भूमाफियाओं पर लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है, मगर असली अपराधी कौन है अभी यहां तक ना तो कानपुर पुलिस जा पा रही है और ना ही राजस्व विभाग की टीम। ताजा मामला 26 जुलाई का है, जहां पर कानपुर की कोतवाली पुलिस ने शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 1,000 करोड़ की संपत्ति के कब्जे सहित अन्य मामलों में शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार को जेल भेजा। मगर असली अपराधी कौन है और असली माफिया कौन है अभी तक इसकी कोई सही जाँच नहीं हो पा रही है। सहारनपुर के नगर देवबंद के मोहल्ला बर्जिया उल्हक में उस समय सनसनी फैल गई जब करंट की चपेट में आने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कासगंज में एडीजी ने आईजी के साथ लहरा गंगा घाट का निरीक्षण किया। एडीजी ने कांवड़ियों से बातचीत कर तैयारियों का जायजा लिया, जिन्हें वहीं अधिकारियों को कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी कार्यालय पर एडीजी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान आईजी शलभ माथुर, DM मेधा रूपम, SP कौशिक सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ टुइया बाले बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। पालकी यात्रा बड़ा बाजार से चलकर मेला बाग टुइया मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से जाति पूछे जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर भाजपा सांसद अनुराग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर पुतला फूंका। पुतला फूंकने की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जलता हुआ पुतला छीनने की कोशिश की, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। पुलिस कमिश्नरेट ट्रांसहिडन जोन अंतर्गत आने वाले सहीबाबाद थाना क्षेत्र के मोहन नगर इलाके की ओम मार्केट में स्थित सोमवार शाम शराब के ठेके पर हमला करने के मामले में युवती समेत 5 कांवड़ियों पर सहीबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। ठेके पर तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में कुछ कांवड़िए ईंट से ठेके का शीशा तोड़ते हुए नजर आए। सूचना पर पुलिस अधिकारी दौड़े और कांवड़ियों को किसी तरह समझा बुझा कर मामला शांत कराया। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सरकारी कर्मियों में अपने अपने जिलों के पुलिस प्रशासन भी अब कांवड़ियों पर फूल वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि तस्वीर गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र की है, जहां पर DCP ट्रांसहिडन व साहिबाबाद ACP रजनेश उपाध्याय वर्तमान थाने के इंचार्ज कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचे डाक कांवड़ वाहन अपने गंतव्यों को रवाना होने शुरू हो गए हैं। SP प्रमोद सिंह डोभाल ने दावा किया कि शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ मेला चल रहा है। शहर से लेकर हाईवे तक कहीं जाम की स्थिति नहीं बन रही है। ASP खुद सड़कों पर उतरकर और कंट्रोल रूम में CCTV से पूरे मेले पर नजर बनाए हुए हैं।
किच्छा में एसपी उधम सिंह नगर द्वारा पुलिस टीम के लिए ली गई 1,000 रुपए की इनाम की घोषणा की गई है। सितारगंज पुलिस ने हत्याकांड आरोपी को गिरफ्तार कर और घटना में प्रयुक्त की गई सामग्री बरामद की है।